सब हाथ लगा दो। भारत माता की जय। भारत देश जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हरे माता की जय। हरे संस्कृति की जय। सनातन संस्कृति की। प्रशांत वर्मा। प्रशांत वर्मा, जो आज यहाँ पर आप लोग सनातन रक्षा वाहिनी के बैनर तले नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, आपका यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्र भर में सनातन धर्म जो सदियों से चला हुआ एक भावना है, ऐसी भावना के सभी लोग साथ में जुड़े रहें, इन्हीं भावनाओं के साथ ये सनातन वाहिनी बने और हमें भी ये निमंत्रण किए हैं, जहां हमने इस कार्यक्रम में आकर यही सोचते हैं, यही देश की लोगों के लिए भावना देते हैं कि देश के लोग सारे सनातन भावना, सनातन धर्म भावना में जुड़े रहें, ऐसी कोई भावनाएं ना हो कि दूसरे चीज़ों की, जिससे कि लोग बढ़ते हों। देश की एकता जो है सर्वोपरि है, इसमें हमारे जो है सबकी सहयोग होना चाहिए। सनातन पे लगातार जो है वार किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, देश को विघटन करना, देश को तोड़ने के कुछ लोगों की भावनाएं हो सकती है, सबकी नहीं। तो जो लोग ऐसे करते हैं उन्हें भी यही भावना होना चाहिए कि आज देश एक है, 140 करोड़ देश की जो जनता है उनकी मूल भावना सनातनी रही है, तो इसमें से जुड़ने में उनका कोई अपने ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। आप राजनीति से, पॉलिटिक्स से, सरकार से क्या मतलब उम्मीद रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में सनातन धर्म को लेकर? आप सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए भारतवर्ष को, उसकी भी कहीं ना कहीं आपने बैनर पे लिखा है कि मांग कर रहे हैं। देखिए, ये जो भावना है ये स्वाभाविक है लोगों के, इस देश की जनता जब देखते हैं पूरे विश्व में हम एक नंबर पे होने जा रहा है, तो सबकी, सबका साथ सबका विकास जो सरकार कहते हैं, तो यही है कि सनातनी भावनाओं के साथ, क्योंकि जैसे आप देखे होंगे कि जैन की और कई ऐसे ऐसे भावना के लोग आज इस कार्यक्रम में थे और अपनी भावना व्यक्त करते थे कि हम लोग सारे सनातनी हैं, जो 10,000 साल पर वर्ष से भी पुराना ऐसी भावना है जो सनातनी धर्म, इसमें सनातनी धर्म के लोग यदि या सनातनी भावनाओं के यदि जो व्यक्ति या जो अपने को परिवर्तित करते हैं वो सही है। सर, बात करें सर, जो सनातन को छोड़ कहीं और चले गए हैं, तो उनको घर वापसी के लिए क्या उन्हें आ जाना चाहिए? देखिए, घर वापसी तो उन्हीं लोगों के हो जो घर से छोड़ के चले गए हों, वो इस देश में हैं, ये घर पे हैं, उनको ये देश में ही रहना है और रह भी रहे, सिर्फ है कि अपनी भावना इधर उधर की या कहीं से किसी ने उनको भड़का दिया कि ऐसे देश को अलग करने में, तो उन्हीं को वो चीज़ जागरूकता किया जाता है। मेरे भावना में यही है कि सनातन भावना इस देश की हृदय है और इसी में से सबको जुड़ जाना चाहिए, तन मन धन से जुड़ना चाहिए। क्या कुछ संदेश रहेगा लोगों? जो सनातन रक्षा वाहिनी है इनमें हम सबको जुड़ जाना चाहिए, देशवासी, पूरे 140 करोड़ देशवासी इस भावनाओं के साथ जुड़ना चाहिए। ये देश हमारा एकत्रित रहेगा तो बाकी बड़े ताकतों से जो है लड़ने के लिए हमारे जरूर शक्ति मिलेगा। तो इसीलिए सभी लोगों को मेरा ये अनुरोध रहेगा कि सनातन धर्मी भावनाओं के साथ सब लोग जुड़े। आए दिन सनातन पे जो है उठारा धास हो रहा है, अपमान किया जाता है सनातन को लेकर के। देखिए, जो लोग अपमान करते हैं वो बहुत ही कम लोग, कम संख्यक के लोग हैं, इनके ऊपर सरकार को एक बड़ी संख्या बनाम छोटी, बहुत ही नगण्य संख्या के ऊपर एक भावना रखना चाहिए कि जो सर्वोपरि है, देश की जो सबसे सबकी बात है, इन्हीं के ऊपर हमें सोचना चाहिए। आपका नाम? प्रशांत। नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार जी, सनातन रक्षा वाहिनी के बैनर तले आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, तमाम सनातनी यहाँ पर मौजूद हैं जी, क्या कुछ मांगे हैं आप? देखो, सबसे पहले तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो देश है वो सबसे पहले तो जो हिंदुत्व है ना हमारा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान का विचारधारा वो हिंदू वाली होना ज़रूरी है। खाली ये नहीं कहना कि हम हिंदू हैं, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ एकता की ज़रूरत हो, वहाँ पे चाहे धर्म कोई भी हो वो एक जगह खड़ा होना चाहिए। इंसान ये नहीं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब जो है एक है। जब तक हम एक नहीं मानेंगे अपने आप को, तब तक हम
विजय प्राप्त नहीं कर सकते इन सब चीज़ों के ऊपर। और हमारा कहना ये कि जो हिंदू आप जो बोल रहे हैं उसको तोड़ा गया है, देखो विभाजित खंडित किया गया जी बिल्कुल, इसको कुछ चीज़ों के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कह दें विपक्ष कह दें या कोई भी ऐसी चीज़ें कह दें जिसको विभाजित किया गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो शुरू में जब हम बात करें विभाजन से पहले की तो सब एक थे, तब तो ऐसा नहीं था कि ये अलग हैं हम अलग हैं, सब पहले तो एक था और एकता कितनी अच्छी थी, पूरा भारत एक साथ रहता था सब। आपको क्या लगता है कौन ये जो एकता है वो किसने तोड़ा है? देखो अगर हम बात करें एकता तोड़ने की तो कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं विभाजन करती हैं कि भाई आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। अगर आप कहते हो कि हम इस राज्य में इस देश में रहते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राज्य को तोड़ना नहीं है, राज्य को जोड़ना है। और जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हम एक नहीं हो सकते, चाहे हम जितना मर्जी नारा लगा लें, और जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमें जोड़ने के लिए आप क्या एफर्ट लगा रहे हैं? मतलब ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो वाहिनी सनातन रक्षा वाहिनी है, इसके थ्रू आप क्या क्या एफर्ट किए हैं? देखो सबसे पहले अगर बात करें तो इंसान की सबसे पहले तो विचारधारा एक होनी चाहिए जुड़ने के लिए। अगर हमें किसी से जुड़ना है तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमें इनसे जुड़ना है और जो इनकी समस्या है वो हमारी है। जब तक हम एक होकर एक मत होकर नहीं चलेंगे तब तक हम जुड़ नहीं सकते हम एक दूसरे से, तब तक हम इसे एक बना नहीं सकते। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो सनातन को सनातन के ऊपर पूरा खास कर रहे हैं, उनका जो है अपमान कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, कहने से कुछ नहीं होता कि हमारा मजहब ये है हमारा मजहब ये है। अगर हम समानता की दृष्टि से देखेंगे ना तो वास्तविकता यह है कि हम एक ही हैं, क्योंकि सबके जो खून का रंग है ना वो लाल है। किसी का खून का रंग, अगर कोई कहे कि जी हम हिंदू हैं हमारा लाल है और ये किसी और धर्म से हैं उनका रंग जो खून का कलर है वो कोई और है, ऐसा तो नहीं है ना। और एकता सबसे बड़ी यही आती है कि हर इंसान एक हर तरह से समान है एक दूसरे के लिए, तो ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। क्या संदेश रहेगा लास्ट में तमाम लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले धर्म, अगर हम बात करें धर्म की, तो सबसे पहले इंसानियत का मजहब जो है हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। अगर इंसान में इंसानियत नहीं होगी ना तब तक एकता नहीं आएगी। हम कहें कुछ भी दें, अगर हम कहें हम ये हैं, इंसानियत हमारे अंदर है नहीं, तो फिर कहाँ से एकता आएगी उसके अंदर? तो सबसे पहले अपनी चीज़ों को एकाग्र करने की ज़रूरत है, मत को एकाग्र करने की ज़रूरत है, उसके आधार पर ही सारी चीज़ें जो है सुनिश्चित की जाएंगी कि हम वास्तव में एक हैं। क्या लगता है जो हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार हैं इस प्रकार से आप लगातार हिंदुओं की भी आवाज़ उठा रहे हैं, सही विष्णु होता है हिंदू में इस वजह से कि सब कुछ सह लेता है? सह इसलिए लेता है क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हमने आज़ादी प्राप्त करी थी ना, अगर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे अगर उन्होंने हमारे लिए लड़कर कुछ प्राप्त किया है ना, तो आज भी वही स्थिति है कि मारने से बेहतर यह है कि हम अपनी विचारधारा रखें। जब तक हम एक जगह बैठेंगे नहीं, एक मत नहीं होंगे, तब तक वो चीज़ें दूर नहीं होंगी हमारे जीवन से। Thank you.